हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको दो चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी बुक का पहला चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक ये तमाम चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे जुडिशरी एंड राइट्स। जुडिशरी हमारी न्यायपालिका और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स के राइट है, जो अधिकार है, इनका कोरिलेशन हम यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे। नाउ जुडिशरी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। जुडिशरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम दिया गया है कि लोगों के अधिकार का रक्षा करना। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जुडिशरी का काम है कि हर सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे। अगर किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है तो वो कहाँ जाएगा? तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। और जुडिशरी का एक ये मेन प्रिंसिपल है कि वो लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करके रखे। नाउ टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर दिस। यहाँ पे ये बताया कि लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना के बारे में दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। दो कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, दो प्रोविजन है जो बात कर रहे हैं कि जुडिशरी का काम क्या है। जुडिशरी का काम है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। उन दोनों आर्टिकल को देखते हैं। फर्स्ट, इट कैन रीस्टोर फंडामेंटल राइट by issuing writs of habeas corpus, mandamus, etc. under Article 32. The High Court also have power to issue writs अंडर द आर्टिकल 226। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जुडिशरी के पास फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने का, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है। वही हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 226 के तहत प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हाई कोर्ट वाला जो चीज़ है इसको ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना? क्योंकि आर्टिकल 32 तो सारे लोग याद कर लेते हैं, सभी लोगों को पता होता है कि आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट वाला आर्टिकल यूजली हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यू आने के सवाल इससे ज़्यादा हैं आर्टिकल नंबर 226 से। सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है या अनऑपरेशनल, मतलब ये देश पे लागू नहीं होगा। ये किस में लिखा है? ये आर्टिकल 13 में लिखा गया है। आर्टिकल 13 क्या बात करता है? आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बात करता है कि कोई भी लॉ जो कि हमारी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है वो लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने यहाँ पे बनाया कानून, पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने यहाँ पे बनाया लॉ मेकिंग वाला काम है। अब ये जो लॉ है, ये जो लॉ है अगर ये वॉयलेट कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है किसको, वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को। कोई लॉ पार्लियामेंट ने ऐसे बना दिया जिससे कि लोगों की फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। क्लियर है? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये किस में लिखा है? ये लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कहाँ पे लिखा है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 13 में ये वाली बातें लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 13 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इसी चीज के बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि मान लो जब भी पार्लियामेंट कानून बनाती तो बहुत बड़े बड़े कानून होते हैं, 80-100 पेज के कानून होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये लॉ है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया, इस लॉ में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी है। और मान लो ये जो लॉ है ये वॉयलेट कर रहा है किसको, ये वाला लॉ वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो क्या ये पूरा लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा? जी नहीं, यहाँ पे वो प्रोविजन
को खत्म कर दिया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इतने बड़े लॉ में से ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो बस इस पॉइंट को यहाँ पे, बस इस पॉइंट को यहाँ पे हटा दिया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एज यूजुअल रहेगी। तो लॉ में से सिर्फ उसी पार्ट को हटा दिया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, पूरे लॉ को ख़त्म नहीं किया जाता है, क्योंकि पूरे लॉ में बाकी सारी चीज़ें तो सही है एक्सेप्ट दिस पॉइंट। क्लियर है, समझ में आ गया? ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? मूविंग बैक टू अवर स्लाइड, वापस हम हमारी स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नाउ सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट प्लस इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्टर है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, है ना। जब भी मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में भी, जब मैं आपको जुडिशियल एक्टिविज्म समझा रहा था, तब मैंने आपको ये बताया कि जुडिशरी जब भी जजमेंट देती है तो वो संविधान के अलग अलग एंगल्स को हमें बताती है कि नहीं, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनका मकसद ये होगा कहने का। तो जुडिशरी संविधान को इंटरप्रेट करती है, उसकी नई नई इंटरप्रिटेशन देती है। क्लियर है? साथ ही साथ जुडिशरी हमारी फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करके रखती है। नाउ जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ इफ द कोर्ट अराइव एट द कंक्लूजन दैट द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सच लॉ इज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनएप्लीकेबल। जुडिशियल रिव्यू मतलब यह है कि कोई भी लॉ जो कि अनअप्रोप्रिएट है, जो कि संविधान के अगेंस्ट है, उसको जुडिशरी रिव्यू करती है। ठीक है, रिव्यू करना क्या हुआ कि किसी ने कोई काम किया, फिर हम उस काम को देख रहे हैं कि वो काम सही हुआ या गलत हुआ। समझ में आ गया? तो पार्लियामेंट ने काम किया, जुडिशरी ने देखा कि वो पार्लियामेंट ने जो काम किया वो सही था या गलत था, जुडिशरी ने देखा वो काम गलत था, जुडिशरी ने उसे क्या किया, जुडिशरी उसे रिव्यू कर देती है। क्लियर है? अब यहाँ पे जुडिशरी सिर्फ पार्लियामेंट के जजमेंट को रिव्यू नहीं करती है। कई बार मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, वो हाई कोर्ट ने बदल दिया, या हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जुडिशरी क्या कर रही है, दूसरे जजमेंट को भी रिव्यू कर रही है कि यहाँ पे जो न्याय दिया था, यहाँ पे जो जजमेंट दिया था वो सही था या गलत था। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जुडिशियल एक्टिविज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें भी मैंने आपको ये समझाया था कि जुडिशरी अपने जजमेंट को भी बदल सकती है। मान लो आज जुडिशरी ने बोला कि ये मुजरिम है, हो सकता है कि वापस से कोई जुडिशरी के पास में केस आए तो जुडिशरी बोले नहीं भैया ये मुजरिम नहीं है, ये बेगुनाह है। क्लियर है? तो जुडिशरी अपने डिसीजन को भी चेंज कर सकती है, इसलिए हम जुडिशरी को बहुत पावरफुल कहते हैं। नाउ द रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड पावर टू रिव्यू लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ वॉयलेट फंडामेंटल राइट, जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हो रही है तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स इफ द लॉ वॉयलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकता है, मतलब कोई भी लॉ को खत्म कर सकता है अगर वो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अगर जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसके साथ छेड़ ली गई हो तो। अब फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से क्या मतलब है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरीके के लिस्ट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चीजें मेंशन है, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे यूनियन लिस्ट पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ जो हम लोग देखते हैं विधानसभा, यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट कानून बनाएगी, यहाँ पे विधानसभा कानून बनाएगी, और यहाँ पे पार्लियामेंट या विधानसभा दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट ने अगर कोई स्टेट लिस्ट में कोई चीज लिखी और उस पर कानून बना दिया होगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चीजें स्टेट लिस्ट में लिखी हो उस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी।
क्लियर है, तो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अगर इस फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में कोई छेड़खानी की हो, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे जो चीजें हैं अगर उस पर कानून बना देगी तो फिर क्या होगा, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में ये दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने कानून बना दिया और दोनों के कानून आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो फिर किसके कानून को मानेंगे, तो फिर हमेशा केंद्र सरकार के कानून को मानेंगे। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, तो अगर केंद्र और राज्य के कानून में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो किसके कानून को मानेंगे, तो ऑफकोर्स केंद्र सरकार के कानून को माना जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से यह क्या मतलब था। ठीक है, द रेट्स पावर एंड द रेट पावर एंड रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। ठीक है, जो रेट पावर है फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने की, साथ ही साथ जुडिशरी की जो रिव्यू पावर है इसने जुडिशरी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर। मेनी पीपल थिंक दैट दिस फीचर इनेबल्स द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन। जुडिशरी संविधान को इंटरप्रेट करती है, साथ ही साथ जो लॉ पार्लियामेंट बना रही है उन लॉ को चेक करती है कि क्या है वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। साथ ही साथ कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो जुडिशरी के पास पावर है ये बहुत सही है, इसे जुडिशरी चेक बना के रखती है सरकार के ऊपर कि वो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि ना करे। द प्रैक्टिस ऑफ एंटरटेनिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट इज PILs हैज फर्दर एडेड टू द पावर ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन। साथ ही साथ जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो दौर शुरू हुआ है उसने क्या किया है, उसने और सिटीजन्स की राइट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है ये हम प्रीवियस वीडियो में, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म वाली वीडियो में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा हो PIL का तो वो वीडियो देखना, इस पे पक्का सवाल आएगा आपको 11th में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जुडिशरी एंड राइट्स। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार आपके तरफ से शिकायत होती है कि सर हमको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो इसका सलूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए। गूगल पे क्या करना है, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां से आप इन वीडियोस को एक्सेस कर लेंगे। यहां से नहीं भी करना हो, बहुत ज़्यादा आलसी सर कौन गूगल पे जाएगा, तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करो और आप ऐप के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आपको पढ़ाई करनी हो तो कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत है। मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री एजुकेशन है, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सिर्फ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस फ्री में नहीं मिलेगा, ये तमाम कोर्सेज आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, चाहे CBSE इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, CUET जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और भी जो दूसरे एग्जाम्स है, ये सारे एग्जाम्स आपको 100% और भी जो एग्जाम है इनका सारा कॉन्टेंट आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर पूरा फ्री मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इंस्टाग्राम हैंडल से, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, उसके साथ साथ आपको यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है अपने स्कूल कॉलेज ट्यूशन भाई बहनों को बताना है। इसी के साथ मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।